हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जिसमें हम लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको आयंस के बारे में बताए थे और आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट दिए थे और कहे थे अगले सेशन में हम लोग आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का सेशन हमारा आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड पे ही रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है, आयनिक कंपाउंड के बारे में। क्लियर है? आयनिक कंपाउंड ध्यान से देखेंगे, समझेंगे चीजों को। तो ये क्या हम लिख रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड। बेसिकली क्या है ना, आयोनिक कंपाउंड जो है वो कैसे बनता है, आयोनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? तो जब कोई भी दो एटम या कोई भी दो एलिमेंट जो है, एक तो सबसे पहली बात है कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है, ठीक है। सबसे पहली बात यानी कि यदि आयोनिक कंपाउंड है तो एक मेटल्स चाहिए और एक क्या चाहिए, नॉन मेटल्स चाहिए, ठीक है, तभी वो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो पाएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आयनिक कंपाउंड कहेंगे किसको? तो होता क्या है कि इससे पहले सेशन में भी बताए थे कि ऑक्टेट कंप्लीट इनको करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए। तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में क्या होगा ना कि जो मेटल्स रहेंगे वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और फिर एक्वायर कर लेंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जो नॉन मेटल है वो वही इलेक्ट्रॉन को वापस, जो मेटल इलेक्ट्रॉन दिया है उस इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा और लेने के बाद वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज, यानी कि नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। जब इस तरीके का सिचुएशन बनता है कि मेटल्स ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज बन गया उस पे, और वही इलेक्ट्रॉन एक नॉन मेटल ने ले लिया और एक निगेटिव चार्ज बन गया उस पर, और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बनने के बाद जो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन के द्वारा जो बना हुआ एक बॉन्ड रहता है उसी को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड की तरह जो हम लोग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दिखाते हैं, बॉन्डिंग दिखाते हैं, एक लाइन खींच करके दिखाते हैं, बेसिकली ये चीज यहाँ पे आपको नजर नहीं आता है। हालांकि हम लोग आयोनिक बॉन्ड को जो है वो लाइन बॉन्ड नोटेशन से हम लोग नहीं दिखाते हैं जनरली, क्योंकि वो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो आयंस के बीच का, दो आयंस के बीच का। बात समझ में आया? तो आयोनिक बॉन्ड बेसिकली क्या है, आयोनिक कंपाउंड क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड आयोनिक बॉन्ड। क्या फॉर्म्ड करता है, आयोनिक बॉन्ड। और जो आयोनिक बॉन्ड जो रहता है, जो जिस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड आपको मिलता है वो क्या कहलाएगा, आपका आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो देखिए जरा सा ये क्या कह रहा है, आयोनिक कंपाउंड किसको कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड कंपाउंड फॉर्म्ड, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द, ठीक है, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बाय, ठीक है, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कंपाउंड फॉर्म किया जाएगा वो किसके द्वारा, मेटल एंड नॉन मेटल के द्वारा, किस तरीके से, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक, बात समझ में आया। तो जनरली जो है वो आपको क्या याद रखना है कि इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली होता है, ठीक है। और जो बॉन्ड बनता है उसको किस प्रकार का बॉन्ड कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड, क्या कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ठीक। अब ध्यान से समझेंगे कि और क्या इसमें, और क्या क्या बात है आयोनिक बॉन्ड में, क्या होता है, पहला तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरी बात इसी में हम मेंशन कर दिए हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में ये बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो क्या NaCl, NaCl ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, तो जाहिर सी बात है आयोनिक कंपाउंड है तो इसमें क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। और आयोनिक बॉन्ड कैसे, ध्यान रखें ये वाला Na क्या है आपका, मेटल है, ये क्या है आपका, मेटल है, और ये Cl क्या है, नॉन मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है। बात समझ में आई, ये क्या है आपका, नॉन मेटल। क्लियर, अब चीजों को थोड़ा सा समझना है और कि NaCl कैसे बना होगा, याद है आपको आयंस बना करके हम दिखाए थे, हम लोग एनायन और कैटायन पढ़े थे। तो NaCl के बारे में यदि हम लोग देखेंगे तो Na जो है, NaCl कैसे बना, तो Na जो था उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 और 1, ठीक
ठीक है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन देकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को देता है। अब मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाला, ठीक है, जिससे ये क्या बन गया, एन ए प्लस और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.8 हो गया, यानी कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लिया। और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे इसको क्या मिल गया, सीएल, क्या मिल गया, सीएल। अब ये सीएल, सीएल का कितना होता है, 17, दैट इज 2.8 और 7। अब ये क्या किया कि ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, कौन वाला एक इलेक्ट्रॉन, यही वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सीएल खा लिया। और सीएल खाने के बाद ये क्या बन जाएगा, सीएल माइनस, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2.8 और 8। बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, यानी कि सोडियम मेटल जो था वो इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, क्योंकि मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, और नॉन मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, एक्सेप्ट किया, जिसके कारण सीएल कन्वर्ट इंटू सीएल माइनस। और ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि एन ए प्लस हो गया और साथ ही साथ क्या घूम रहा है, सीएल माइनस, तो एन ए प्लस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। और जो बॉन्ड बनता है, वही वही जो बॉन्ड बनेगा इन्हीं के बीच का जो बॉन्ड कहलाएगा, वो एन ए प्लस और सी एल माइनस दोनों आपस में आकर के जुड़ जाएंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। क्या हम लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़ जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और काफी स्ट्रॉन्ग जो है, काफी जटिल जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसका क्रिस्टल होता है, दाना होता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग, नमक, नमक देखते हैं ना, नमक देखिए एकदम सॉलिड होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, वैसा ही ये बनता है, जिसको और हम क्या लिख देते हैं, जिसको और हम लिख देते हैं, इसको न्यूट्रल फॉर्म में लिख देते हैं, NaCl, NaCl, बेसिकली Na और SaCl लिखना ये हम गलत मानेंगे, क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रॉन का ये नहीं है, शेयरिंग नहीं है कि Na मेरा एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ट्रांसफर सोडियम ने किया, किसको किया, क्लोरीन को किया। बात समझ में आया? तो ये NaCl जो है वो आपका बना है। इसी प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ये NaCl है, उसी प्रकार से यदि हम बात करें, उसी प्रकार से यदि हम बात करें MgCl2, इसके बारे में MgCl2 एक ये हम ले लेते हैं, तो Mg, Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, Mg का क्या हो जाता है, 12, ठीक है, ये रहा Mg, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.8 और 2, 2.8 और 2, ठीक है, ये अपना क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना चाहेगा, तो ये हो जाएगा Mg प्लस 2, और यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 8 हो जाएगा, Mg प्लस 2, दो इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन जो है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला जा रहा है आपका, Cl के पास, ये तभी तो बॉन्ड बना है MgCl2, तो Cl जो है, ठीक है, दो Cl, दो Cl को जो है इसका दो इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो दो इलेक्ट्रॉन, साथ ही साथ ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, यही वाला दो इलेक्ट्रॉन इसका मिलता है, ठीक है, कहाँ जाता है, इसके पास, जिससे बन जाता है दो Cl माइनस, टू Cl माइनस, ठीक है, ये 2Cl माइनस, जिसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक Cl है ये भी और एक Cl है ये भी, ऐसा, ठीक है। अब ये जो Mg प्लस 2 था, Mg प्लस 2 था, ये रहा Mg और ये रहा प्लस 2, इनके बीच में चूंकि ये दो प्लस चार्ज है, और ये इसीलिए दो क्लोरीन की जरूरत पड़ी, दो पॉजिटिव चार्ज को दो क्लोरीन न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए चाहिए, इसीलिए दो क्लोरीन की जरूरत पड़ी, इधर से भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इधर से भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज MgCl2, और दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लगा हुआ है, एंड दैट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड एंड आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये आपका आयोनिक कंपाउंड है, और भी हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आयोनिक कंपाउंड के, ठीक है। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जैसे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, वो क्या कहलाया, NaCl जो है वो क्या कहलाएगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl क्या कहलाएगा, सोडियम क्लोराइड, MgCl2 क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, वो दो तो हो गए, तीसरा यहाँ हम देखते हैं ये MgO, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाम सबका लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कैसे बना, तो यही है आपका Mg, ये होता है 12, सेम 2.8 और 2, ठीक
ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा और ये बन जाएगा Mg+2 और ये हो जाएगा 2 8, और साथ ही साथ ये दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हो जाता है 8, यानी 2 और 6, ठीक। ये इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, यही वाला दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको मिल जाएगा, जिससे ये बन जाएगा O-2 और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 8 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही ऑक्सीजन जो है वो दो चार्ज कंटेन किए हुए है, दो निगेटिव कंटेन किए हुए है। तब ये आया Mg+2 और ये आ गया आपका O-2, दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करेगा और ये बना देता है MgO। क्या बना देता है ये? MgO। बात समझ में आया? क्या बना देगा? MgO। ठीक उसी प्रकार से यदि एक और एग्जाम्पल यदि हम ले ले, CaO, सेम एग्जाम्पल है, एकदम सेम कैटेगरी का है CaO। तो कैल्सियम का कितना हो जाएगा? कैल्सियम का आपका हो जाता है, कैल्सियम का 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2882। 2882 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा, ठीक है, आयनिक फॉर्म में आने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, Ca+2 और साथ ही साथ आपका दो इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन। और यही यही दो इलेक्ट्रॉन कौन खा लेगा, ऑक्सीजन, ठीक है, जिसका होता है एटॉमिक नंबर 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 6, दो इलेक्ट्रॉन का कमी है। बोला कैल्सियम देते हैं तुमको, हड़बड़ाओ नहीं, गुस्सा नहीं हो, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको मिला और जिससे ये बन जाएगा O-2, ठीक है। और उसके बाद ये कैल्सियम+2 बड़ा ही देर से इंतजार कर रहा था O2- का, तुम भी चार्ज में आ गए, हम भी चार्जेबल बन गए, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड कैल्सियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। वैसे कई सारे हैं, कई सारे हैं, एक और आपको अनोखा बताते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये एमोनियम क्लोराइड, या तो कैल्सियम ऑक्साइड हो गया, एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड बनता कैसे है, एमोनिया से बनता है, बनता कैसे है, एमोनिया से बनता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये रहा NH3, इसके पास एक लोन पेयर है, ये क्या है NH3, इसके पास एक लोन पेयर है, कहीं पे इसको हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन घूम रहा था, H+ कहीं पे घूम रहा था, H+ यानी वैसा हाइड्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, H+ हो गया, ठीक है, H+ घूम रहा था, H+ घूमते इसको लोन पेयर जो है वो देख लिया, लोन पेयर देख लिया, ये क्या किया अपना लोन पेयर इसको दे दिया। अब लोन पेयर देने के बाद ये कैसा बन गया, ये बन गया NH, क्योंकि ये तो दान दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या किया, डोनेट किया, अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या कहलाएगा NH4 विद पॉजिटिव चार्ज, क्या कहलाएगा NH4 विद पॉजिटिव चार्ज। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। अब ये एमोनियम आयन, ये एमोनिया था, इससे बन गया क्या एमोनियम आयन, ठीक है, क्या बन गया एमोनियम आयन। अब उसके बाद ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कहीं से क्लोरीन था, क्लोरीन था, सीएल ये था, अब सीएल जो था अपना एक इलेक्ट्रॉन कोई इसको दे दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ये ले लिया होगा, किसी से भी दूसरे कंपाउंड से जो है, मान लेते हैं क्या बोलते हैं HCl ही था, तो टूट गया H+ और Cl- में, तो वही वाला Cl- यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा था, तो ये आ गया Cl-, और ये जैसे ही Cl- आपको मिला और यहाँ पे अमोनियम आयन मिला, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे बन गया NH4+ और ये Cl-, और जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी है, खैर वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको बस समझाने के लिए इसका भी हम डिटेल में आपको बताए हैं। बात समझ में आया, क्लियर है किस तरीके से है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखना चाहे तो देख सकते हैं, जैसे जैसे आयोनिक कंपाउंड में और क्या होगा, MgCl2 देख लिए, CaCl2 भी देख सकते हैं, ठीक है, CaCl2, ठीक। तो यहाँ भी एकदम सेम, बस क्लोरीन हम चेंज करेंगे, मैग्नेशियम वाला एकदम फंडा है यहाँ भी, तो ये कैल्सियम आ जाएगा, इसका होता है 20 और ये हो जाएगा 2 8 और 8 2, ठीक। अब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन ये बाहर फेंक देगा जिससे बन जाएगा Ca+2 और साथ ही साथ दो इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन घूम रहा था, दो क्लोरीन जो है उसको फटाक से ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल गया, दो इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये दो इलेक्ट्रॉन ये खा करके क्या बन गया 2Cl-। अब ये 2Cl- मतलब इसी प्रकार से तो है, एक Cl- ये और एक Cl- ये वाला कैल्सियम जो था फटाक से यहाँ पे आ गया और +2 चार्ज के साथ, इसके साथ भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसके साथ भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे क्या बना दिया CaCl2
कैल्शियम क्लोराइड, क्या बना दिया, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स और आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, नोट करें, कुछ और लिखवा देते हैं इससे रिलेटेड। ठीक, तो जैसे यहां पे कंपाउंड कंपाउंड, ठीक है, मतलब इसका नेम रहेगा, साथ ही साथ सिंबल, क्या सिंबल रहेगा, ठीक, और इसका आयंस, आयंस, ठीक है, या ऐसे करते हैं केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला ऐसे कर देते हैं, केमिकल नेम और ये क्या आ जाएगा, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला और ये आ जाएगा आयंस। ठीक है, केमिकल नेम में आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा केमिकल नेम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, दूसरा कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, तीसरा पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, ठीक है, चौथा हम बात कर रहे हैं मैग्नेशियम क्लोराइड, मैग्नेशियम क्लोराइड, ठीक है, उसके बाद पांचवा हम बात कर रहे हैं मैग्नेशियम ऑक्साइड, मैग्नेशियम ऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद छठा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, आठवां सोडियम, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, नाइन्थ एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर, उसके बाद हम कर देते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, ये। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ ये एग्जाम्पल्स हम आपके सामने लिखे हैं, अब इसका क्या केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, NaCl CaCl2, पोटासियम क्लोराइड KCl, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम ऑक्साइड Na2O, O पे दो माइनस होगा तो दो Na प्लस चाहिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट का क्या हो जाएगा CaNO3 का होल टू, ठीक है, NO3 माइनस होता है, उसी प्रकार से ये दो चाहिए, ठीक है, तो अब आयंस किस में होंगे, तो Na प्लस एंड Cl माइनस, ये किस में होगा Ca+2, ठीक है, और क्या होगा 2Cl माइनस, ये क्या होगा K प्लस एंड एंड Cl माइनस, ये क्या हो जाएगा Mg+2 एंड 2Cl माइनस, ये क्या होगा Mg+2 एंड O-2, ये क्या होगा Na प्लस और साथ ही साथ होगा OH माइनस, ठीक है, क्या होगा OH माइनस, ये क्या होगा Ca+2 और साथ ही साथ क्या होगा O-2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा Na2Na+ और साथ ही साथ क्या हो जाएगा O-2, ये क्या होगा Al2Al+3, 2Al+3, एक ऑक्सीजन माइनस टू, तो तीन ऑक्सीजन माइनस सिक्स, इसलिए यहाँ +3 +6 किया गया है, एंड 3O2- और यहाँ पे कैल्शियम Ca+2 एंड NO3 का, ठीक है, 2NO3- ये यहाँ पे किया गया है, बात समझ में आया, तो ये कुछ केमिकल नेम है आयोनिक कंपाउंड्स के, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला और आयन से। अब हम लोग मूव करने वाले हैं कोवलेंट कंपाउंड की तरफ, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, या क्या कहें, कोवलेंट बॉन्ड की तरफ, ठीक है, वो आयोनिक बॉन्ड था और ये कोवलेंट बॉन्ड है आपका, ठीक है, तो दूसरा हम लोग देख रहे हैं, वो पहला जो था वो आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड हम लिख दिए थे, लेकिन पहला आपका क्या था,
आयोनिक बॉन्ड थोड़ा लिख लेंगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। और आयोनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। हम आयोनिक कंपाउंड लिख दिए थे, तो जो जिस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड पाया, सॉरी, वैसा बॉन्ड जो आयोनिक, मान लेते हैं किसी एटम के बीच में, किसी एलिमेंट के बीच में आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, तो उससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो बात ध्यान में रखना है। दूसरा जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वो कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये क्या होगा, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इक्वल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा लिख देते हैं, इक्वल इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, इतना सफिशियंट है। बस ध्यान में रखेंगे कि किसके बीच में होगा, बिटवीन बिटवीन नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स के बीच में ये देखा जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये भी तीन तरीके का, फिर एग्जाम्पल बताते हैं सब में, ठीक है। थ्री टाइप्स, ठीक है, कौन कौन सा टाइप्स होगा। पहला कहलाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्या कहलाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा कहलाएगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा क्या कहलाएगा, ट्रिपल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आया, ये चीज है एग्जाम्पल, इसी इसके जो बताएंगे वही एग्जाम्पल आपका चलते जाएगा, ठीक। अब देखेंगे सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहला, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा, किसको कहेंगे भाई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर का यदि शेयरिंग होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो शेयर किसका हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, उसमें एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एंड दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ सिंगल, ठीक है, सिंगल वन इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा लिख देते हैं, शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, बाय नॉन मेटल्स, ठीक है, बिटवीन नॉन मेटल्स। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल 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 क्या देते हैं, सबसे पहला बड़ा ही आसान आपको मिलेगा H2 का, ठीक है, सबसे पहला हम देख रहे हैं H2, फॉर्मेशन ऑफ H2 ऐसा भी लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2, ठीक है। तो सारे में हम लोग फॉर्मेशन उसका देखते चलेंगे, तो बेसिकली होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वन होता है, ठीक है, ये तो पता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो वन ही आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और दूसरा वाला, और इस इलेक्ट्रॉन को हम इस डॉट से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, डॉट से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। इसका यदि हम बात करें, दूसरा एक हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक और H2, तो इसके भी कितना होगा, आउटर मोस्ट में एक, वन ही इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन को हम इस डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। अब आगे ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दोनों मिलता है, शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। अब क्या हो गया, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। क्यों शेयरिंग, ऐसा समझ लेंगे कि इसको भी दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये बोला एक इलेक्ट्रॉन मेरा है और एक इलेक्ट्रॉन तू अपना दे दे, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन मिला करके हम लोग शेयर कर लेंगे आपस में, यानी कि जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे। तो यदि गिनने की बारी आई, जब काउंटिंग की बारी आई, देखने की हाँ भाई डबलेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं, हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है, डबलेट ही, तो ये वाला हाइड्रोजन जब काउंट कर रहा था तो इसको इस तरीके से काउंट किया, तो
ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब जब ये हाइड्रोजन काउंट कर रहा है तो ये भी इस प्रकार से काउंट कर रहा है, और यहाँ इस हाइड्रोजन के लिए भी ये दो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एच टू मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है इसके फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे कौन सा, दूसरा, ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेंगे CH4 का, या फिर हम देख लेंगे इससे भी आसान Cl2 का, Cl2 का। तो Cl2 अपना क्या रहेगा, ये रहेगा Cl, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, 2 8 और 7, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। और इसके पास भी ऊपर लिखते हैं, ये आ जाएगा 2 8 और 7, ठीक है। और अगला वाला जो है, तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से, आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। और साथ ही साथ कौन मिल जाएगा, एक और क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके भी 2 8 और 7, यही वाला सेम, ठीक। तो जिससे जिससे क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो दूसरा वाला क्लोरीन बोला हमको भी एक ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत है भाई, तो ये वाला आ गए और आपस में दोनों का बॉन्ड बना लिया, और क्लोरीन क्या फॉर्म करता है, ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट। तो अब जब काउंटिंग की बारी आई तो ये वाला क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे जोड़ दिया, तो 1 2 और 6 नजर आ रहा है, टोटल कितने हो गए, 8, और ये वाला को ये इसने भी काउंट किया और क्या हो गया, 6 यहाँ पे और 2 8, एंड दैट इज द क्लोरीन मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल। ठीक उसी प्रकार से हम आगे देखेंगे CH4 का, किसका देखेंगे, CH4 का, ठीक है। तीसरा हम देखने वाले हैं CH4 मॉलिक्यूल का। तो CH4 अब हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, ये सब नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। तो कार्बन का क्या होता है, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये वाला हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और यहां ले आते हैं, ठीक है। तो अब कार्बन को कितना कंप्लीट करना है, ऑक्टेट, कार्बन को क्या कंप्लीट करना है, ऑक्टेट, ठीक है। और हाइड्रोजन को क्या कंप्लीट करना है, डबलेट, दो इलेक्ट्रॉन। तो जब समझना है ध्यान से, जब हाइड्रोजन का बारी आया तो वो किसके, इसके साथ शेयर किया है ना, हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक ये तो एक ये, तो एक एक जब दोनों शेयर किए तो ऐसा नजर आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे हाइड्रोजन जो है अपना डबलेट कंप्लीट कुछ इस प्रकार से कर रहा है, नजर आ गया। लेकिन लेकिन बात ऐसा है ना कि ये कार्बन को, कार्बन को क्या कंप्लीट करना है, ऑक्टेट। तो ये जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा बना, कुछ ऐसा बॉन्ड बना, ऐसा बॉन्ड बना, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, बात समझ में आया। और ये जो कार्बन है उसको क्या कंप्लीट करना है, ऑक्टेट, ठीक है, क्या कंप्लीट करना है, ऑक्टेट। तो ये क्या करेगा, यहां से ये क्या करेगा, जब काउंटिंग करेगा तो किस तरीके से काउंटिंग करेगा, कुछ ऐसा, ये देखेंगे, ये इसका वाला भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बात क्या हुआ था, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा, तो हम तो अपना तुमको दिए ही काउंट करने, लेकिन जब मेरा बारी आएगा तो हम भी अपना 8 ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे, ठीक। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल जो है वो हम लोग देखेंगे CCl4 का, किसका देखेंगे, फोर्थ वाला CCl4, और सारा किसका है, सिंगल बॉन्ड है, सारा क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसमें टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने देखने को मिले, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट हेयर इन दिस कंपाउंड। ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम क्या था, मिथेन, 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 ठीक है, Cl2 क्लोराइन मॉलिक्यूल, और ये क्या, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये कैसे बनता है, तो वही सेम कार्बन, ये कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 जो आउटर मोस्ट सेल में जो रहते हैं, ठीक है। और क्लोरीन, क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7, तो 4 क्लोरीन, तो ये रहा 1 क्लोरीन, ठीक है, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन और एक 4 क्लोरीन, 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इसको क्लोरीन को भी एक जरूरत है लेकिन कार्बन को 4, इसलिए 4 क्लोरीन की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये बॉन्ड बनेगा इसके साथ, 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 ठीक। क्लोरीन का जब बारी आएगा तो वो भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है इस बार, और कार्बन को भी, तो इसका जब बारी आया तो इसके साथ काउंट किया, इसका जब बारी आया तो इसके साथ काउंट किया,
इसका जब बारी आया तो इसके साथ काउंट किया, और इसका बारी आया तो इसके साथ काउंट किया, लेकिन जब कार्बन का बारी आया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट इस तरीके से किया और अपने ऑक्टेट को क्या किया, कंप्लीट कर दिया। एंड दैट्स द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड पाए जा रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड 4 कोवेलेंट बॉन्ड, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 4 सिंगल, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहां देखने को मिल रहा है। बात समझ में आया। उसी प्रकार से यदि और हम देखना चाहें, ठीक है, और एक आध देख लेते हैं, ठीक है, अगला देखते हैं, पांचवा, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला देखते हैं, NH3 का, किसका, NH3 का, ठीक है, NH3 का। बात समझ में आया, NH3 क्या है, एमोनिया, एमोनिया, ठीक है, इसका देखेंगे। तो अब इसमें क्या है ना, एमोनिया में क्या है, NH3 जो है आपका, इसमें क्या है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो ये एक, अच्छा इसको बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3, 5 तो होते, जरूरत कितने की, 3, तो बॉन्ड किसने के साथ बनाएगा, 3 के साथ, केवल 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड में खर्च करेगा, तो 1, 2 और ये 3, और ये एक लोन पेयर, ये जो पेयर बचता है ना अकेला 2 इलेक्ट्रॉन का, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। अब हाइड्रोजन कितने हैं, कितने आएंगे यहाँ पे, 3, 1, ठीक है, ये 1 और ये यहाँ पे 1, ये इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन का जब बारी आएगा, बॉन्ड भी बना ही देते हैं, ठीक है, बॉन्ड भी इनके बीच में बना देते हैं, ये बॉन्ड, ये रहा और ये रहा, ठीक है। जब हाइड्रोजन का बारी आएगा तो क्या करेगा, ये अपना डबलेट कंप्लीट करता हुआ दिखाएगा, बात समझ में आ रहा है, और जब नाइट्रोजन का बारी आएगा तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ काउंट करके अपना ऑक्टेट फॉर्म करता हुआ दिखाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 6 नंबर, वाटर का, ठीक है, छठा हम लोग देखते हैं पानी, वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, यही है ना, वाटर, वाटर, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो जरूरत कितने की पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की, शेयरिंग 2 के साथ करेगा, और 2 अपना भी 2 लगाएगा और उससे भी 2 लेगा, तो ये आया हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये आया हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो दोनों के बीच में क्या बना, बॉन्ड बना, और जब हाइड्रोजन का काउंट करने का बारी आएगा, जितना का कमी रहेगा उतना ही के साथ बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का बारी आया तो ये इस प्रकार से काउंट किया अपना डबलेट, और जब ऑक्सीजन के बारी आया तो इस प्रकार से ये क्या कंप्लीट किया, ऑक्टेट, एंड दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हम क्या देखें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अब हम लोग क्या देखेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, मिटा दे, डबल बॉन्ड एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इसमें क्या होगा, शेयरिंग होगा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का, ठीक है, शेयरिंग ऑफ, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, इसमें O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, तो O2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, O, चूंकि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2, 6 तो है इसका, जरूरत कितने की पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने के साथ बनाना पड़ेगा, 2 के साथ, H2 में 2 के साथ बॉन्ड बनाया था, अब O2 में एक ऑक्सीजन एटम और दूसरा ऑक्सीजन, उसको भी 2 का जरूरत, उसको भी 2 का जरूरत, तो ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन इसका, और इस वाले ऑक्सीजन का भी ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बाकी का 2 लोन पेयर, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड जब इसका बारी आएगा ऑक्टेट कंप्लीट करने का तो ये ऐसे कंप्लीट करेगा, और जब इसका बारी आएगा तो ये ऐसे कंप्लीट करेगा, और यही क्या हो गया, O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अगला जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं CO2 मॉलिक्यूल, किसका देखने जा रहे हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका कैसे बनेगा, ये है भाई आपका कार्बन, और कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन बताए थे, ठीक है, आउटर मोस्ट में CH4 बन रहा था, CCl4 बन रहा था, अब यहां चूंकि पता है कि एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत पड़ती है, तो 2 ऑक्सीजन को 4, यानी एक कार्बन एक के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, तो ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और जो बाकी है वो यहाँ, और ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और जो दो बाकी है वो यहाँ, इससे बीच में क्या फॉर्म हुआ, बॉन्ड,
और ये आ गया, और जब ऑक्सीजन का बारी आया तो ये क्या बन जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका बारी इस तरीके से, और जब कार्बन का बारी आया तो सारा काउंट करते हुए ऑक्टेट बना देगा। बात समझ में आ रहा है आपका। अब यदि हम अगले में जाएंगे, यानी कि तीसरा जो एग्जाम्पल है वो यदि हम लेंगे, तीसरा एग्जाम्पल, तो वो हम तीसरा एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, C2H4, ठीक है, C2H4, क्या बोलते हैं इसको, इथीन, ठीक है, डबल बॉन्ड है, क्या हो कहते हैं इसको, इथीन। तो दो कार्बन, और दो कार्बन को टोटल कितने बॉन्ड होने चाहिए, एक कार्बन को चार बॉन्ड, ठीक है, समझना है जरा सा, एक कार्बन को चार बॉन्ड, तो दो कार्बन हम लगा दिए, इसको भी चार चाहिए, इसको भी चार चाहिए, हाइड्रोजन कितना है, चार, तो चार हाइड्रोजन है, तो दो कार्बन को हम देंगे, एक एक कार्बन को कितना हाइड्रोजन देंगे, दो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन हम इसको दे देंगे, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे, एक हाइड्रोजन इसको, तो हाइड्रोजन के साथ तो कार्बन एक ही बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ तो कार्बन एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, ये वाला भी और ये वाला भी ऐसा, ठीक। तो इस कार्बन के पास अभी भी दो इलेक्ट्रॉन बचा है, और इस कार्बन के पास भी अभी इलेक्ट्रॉन बचा है, तो लेट क्यों करेगा, आपस में ही एक दूसरे के साथ इलेक्ट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और जब बारी आएगा काउंट करने का, तो ये अपना इस तरीके से काउंट करेगा सारा हाइड्रोजन, ठीक है, और जब इस कार्बन की बारी आएगी तो ये यहां से पूरा काउंट करेगा, और जब इस कार्बन की बारी आएगी तो ये पूरा इस तरीके से काउंट करेगा, एंड दैट इज इथिन मॉलिक्यूल। क्लियर है, समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अब इसमें क्या होगा, थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग होगा, शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, बात समझ में आ रहा है, शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहां पे क्या होगा, शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या होगा कि तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं आपका, पहला N2 मॉलिक्यूल, N2, ठीक है, N2 मॉलिक्यूल, तो N2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, अब हमको पता है कि एक नाइट्रोजन में पांच इलेक्ट्रॉन होता है, तो तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और दूसरा वाला भी एन जो है उसके पास भी तीन इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, पांच तो पहले से, तो इसको भी तीन का शेयरिंग चाहिए और इसको भी तीन का शेयरिंग चाहिए, तो ये एन और एन आपस में ही बॉन्डिंग माना था, और बड़ा ही स्टेबल, बड़ा ही अनरिएक्टिव मॉलिक्यूल N2 जो है वो बनता है, जो आप जानते हैं कि हमारे एयर के साथ भी कॉन्टेक्ट बहुत ही मुश्किल से हो पाता है, बहुत ही मुश्किल से रिएक्शन इसके हो पाते हैं, न के बराबर हो पाता है, ठीक है। फूड वगैरह प्रिजर्व करने में भी काम आता है N2, जो चिप्स वगैरह के, वेफर्स वगैरह वगैरह के जो पैकेट रहते हैं उसमें भी नाइट्रोजन गैस आपका भरा हुआ रहता है, ऑक्सीजन के साथ काफी अनरिएक्टिव होता है। तो ये जो है जब इसका बारी आएगा तो ये इस तरीके से, अब जब इसका बारी आएगा तो इस तरीके से N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, काफी स्टेबल कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल होता है। दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा में हम ले रहे हैं C2H2 इथाइन, इसको क्या बोलेंगे, इथाइन, ETHYNE, ठीक है, ETHYNE, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक। अब यहां पे क्या, दो कार्बन है, दो कार्बन है, तो एक कार्बन का चार इलेक्ट्रॉन, लेकिन है हाइड्रोजन कितना, दो ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, तो ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, तो अब कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तीन इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास भी तीन इलेक्ट्रॉन, आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इस कार्बन का, इस कार्बन का, सॉरी, इस हाइड्रोजन का बात करें तो ये डबलेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का बात करें तो डबलेट कंप्लीट, और इस कार्बन का बात करें तो ये पूरा अपना जोड़ेगा, और इस कार्बन के बात करें तो ये भी अपना पूरा ऑक्टेट कंप्लीट करता हुआ नजर आएगा, एंड दैट इज द इथाइन मॉलिक्यूल। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, और कुछ कई सारे जो है वो एग्जाम्पल्स हमने देखे, और बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है वो भी हम आपको दिखाएं। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच।